वालेकुम गाइस, इट्स मी किरण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे गाइस सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गाइस, सुबह उठी, मैंने घर के काम वगैरह किए, अभी शावर लिया और आज मैंने स्किन कलर की पैंट एंड ब्राउन एंड स्किन कलर की शर्ट पहनी है। मैं मेकअप कैसा करूँगी आज और हेयर स्टाइल कौन सा बनाऊँगी वो भी आपसे शेयर करूँगी, तो इसी तरह मेरे साथ बनी रही है। गाइस, तो शावर लेने के बाद अगर ड्राइनेस हो जाती है स्किन पर सर्दियों में अमूमन, तो ये देखें मैं इतना सा लोशन ले रही हूँ और अच्छे से इसको स्किन के ऊपर अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि मेकअप से पहले हमें अच्छे से कोई भी जो आप लोशन यूज़ करते हैं आपको सूटेबल है आपने वो स्किन पे लगाना है अच्छे से, ताकि कोई भी फाउंडेशन हम अप्लाई करें तो हमारी स्किन पे पैचेस ना बने, ड्राइनेस ना नज़र आए। तो हमने अच्छे से ये अप्लाई कर लिया मैंने और बाकी भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने बाल ड्राई करूँगी। जी गाइस, तो ये देखें बालों को मैंने, आधे बालों को मैंने कैचर लगा लिया पकड़ के इस तरह से, और मेरे बाल भी छोटे हैं तो अगर आपके बहुत ज़्यादा हेल्दी और लंबे बाल हैं तो आपने 3 पोर्शंस में आपके वो पार्टीशन होगी और फिर अच्छे से आयरन होगा, क्योंकि अगर आपके कम बाल हैं तो वो इतने में ही हो जाएगा। तो अगर आपके ज़्यादा हेल्दी बाल हैं तो उसमें आपको पार्टीशन जो है वो 3 पार्ट्स में करनी होगी, उसके बाद आपको आयरन अप्लाई करना होगा। तो देखें आयरन मेरा गर्म हो गया, मैं बालों को स्ट्रेट करूँगी और हेयर स्टाइल कम्प्लीट करूँगी अपना। जी गाइस, तो ये देखें मेरा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया है। मैंने साइड से टेल बना के और इसको पिन अप कर दिया है और मैंने साइड के जो पफ है उसको आयरन कर लिया है, और तो ये मेरा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया। अब मेरा मेकओवर पेंडिंग है, पहले मैंने हेयर स्टाइल कम्प्लीट किया, अब मैं मेकओवर करूँगी तो वो भी आपसे शेयर करती हूँ। तो ये देखें गाइस, मैंने बेस जो है वो इस तरह से अप्लाई कर लिया, अब मैं इसको मच करूँगी तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। तो ये देखें मैं अपना जो फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया है उसको मैं अच्छे से इसके साथ मच करूंगी और इसके साथ बहुत अच्छे से आपकी बेस जो है वो सेट हो जाती है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है गाइस, तो ये देखें मेरा बेस बहुत मज़े का रेडी हो गया और बाकी भी मैं जो लगाऊंगी वो भी आपको ज़रूर बताऊँगी, आपको नहीं बताऊँगी तो किसको बताऊँगी यार। ठीक है, तो ये देखें बेस जो है मेरा बिल्कुल कम्प्लीट हो गया और अभी मैं आईब्रो पेंसिल लगाऊँगी, तो बहुत लाइट में लगाऊंगी मैं, ज़्यादा डार्क नहीं करूंगी। तो ये देखें इसकी मदद से मैं लगाऊंगी, ये ना दिखाएं, तो ये देखें इसकी मदद से मैं आईब्रोज को अच्छे से प्रॉपर शेप दे दूंगी और इससे बहुत नेचुरल सी लुक आती है, ओवर नहीं लगता। जी गाइस, तो ये देखें मैंने लाइनर जो है वो आई ब्रो के ऊपर लाइट ब्राउन कलर का टच दिया है, लाइनर कंप्लीट कर दिया है। मैं लाइट ब्राउन कलर को नीचे आईज़ के नीचे जो है मच कर रही हूँ, इससे आईज़ की लुक बहुत मज़े की लगेगी। जब ये प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो भी आप देखिएगा। तो ये देखें आईज़ के अंदर मैंने वाइट पेंसिल लगाई जिससे आपकी आईज़ प्रोमिनेंट होती है और बड़ी लगती है। इस जगह पे आपने अप्लाई करना, इस जगह पे नहीं करना। अब देख सकते हैं तो ये देखें ब्लश को मैंने अच्छे से मच करके इस तरह से अप्लाई किया और ये बिल्कुल देखिए कितना मज़े का मच हो गया। जी, तो ये लिप ग्लो लगा रही हूँ मैं इस कलर का। जी गाइस, तो ये देखिए मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया है, मैंने ये वाला लिप ग्लो अप्लाई किया है और ये बहुत मज़े का लग रहा है इसके साथ। मैंने ब्राउन नहीं लगाया, थोड़ा डिफरेंट कलर लगाया है, ब्राउन से ये है कि थोड़ा डल लुक लगती है आपकी। तो इसे देखिए कितना मज़े का मेकअप हो गया मेरा, कितना स्मूथ बेस बना हुआ है और नेचुरल लग रहा है, बहुत मज़े का स्मूथ एंड ग्लोइंग।
तो ये वाला मैं अप्लाई कर रही हूँ शाइनर। मैं लास्ट वीडियो में भी आपसे जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था मैंने आपसे शेयर किया था, फिंगर से आपने जस्ट इन इस जगह पे अप्लाई करना है इसको। ब्रश से भी लगा सकते हो लेकिन मैं फिंगर से लगा रही हूँ। हर बंदे का जो है ना वो अपना एक तरीका होता है, तो मैं इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। जी गाइस तो देखें मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया है, और कितने मज़े की लाइट सी और स्मूथ सी, और मैंने शाइनर भी बहुत लाइट अप्लाई किया और बहुत मज़े का मैच हो गया। तो आपने कमेंट्स में बताना मुझे कि मेरा आज का मेकअप आपको कैसा लगा। जी गाइस तो देखें मेरा हेयर स्टाइल और मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग और मेरा आज का मेकअप भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताना है कि मेरा आज का मेकअप कैसा लगा, आपको मेरी आज की लुक कैसी लगी, और इस तरह मेरे साथ बने रहिए।